हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हाँ, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 22,000 सीट मामला प्लस आरक्षण मामले की तमाम जानकारियाँ जो कि आप लोगों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक होंगी। हालांकि कुछ मामले हैं जो कि लगातार लंबित चल रहे हैं, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले के सभी भाई बहनों से निवेदन है 22,000 सीट के लिए कि आप सभी लोग 26,000 सीटों के लिए लखनऊ SCERT पर जल्द पहुंचे, क्योंकि अब हमें संख्या बल दिखाना है और 26,000 जुड़वा के नियुक्ति पत्र पाना है। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तारीख सभी लोग हजारों की संख्या में संख्या बल दिखाएं, जिससे सरकार पर दबाव बन सके और 1,37,000 में जो भी खाली पर बचे हुए हैं उनको पूरा भरा जा सके। आप सभी से निवेदन है कि अब जाग जाओ और अपनी मंजिल को पालो, नहीं तो पछताने के अलावा कोई नहीं रहे। घर बैठकर अपने माँ बाप की रोटियों को तोड़ते रहना, इसलिए जागकर समय रहते हुए पूरे यूपी के सभी लोग 1,37,000 में बचे हुए पदों को, उन सभी को पहुँचना चाहिए और अपनी सीटों को जुड़वाना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लगातार 22,000 सीट लीगल टीम आह्वान कर रही धरना का कि सभी लोग आएँ, क्योंकि देखिए अकेले की बात नहीं, लगभग 22 से 25,000 सीटें हैं जिसमें सभी का हित है, तो कहीं ना कहीं सभी को जो है एक साथ आना चाहिए। तो भी लगता है कि लगभग सभी लोगों को आना चाहिए। जो लोग भी 70,000 शिक्षक भर्ती में 90, 97 यानी 100 से 105, 110 नंबर वाले हों, कहीं ना कहीं उनको धरने पर आना चाहिए, क्योंकि देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला देख इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। कहीं ना कहीं सरकार जो है 69,000 आरक्षण मामले को लेकर ही 22,000 सीट जोड़ेगी। यदि कहीं ना कहीं यदि आपकी संख्या बल दिख जाती तो कहीं ना कहीं और मामले में सकारात्मकता जरूर आएगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में अभ्यर्थी लगातार 23 तारीख से रोड पर धरना दे रहे हैं। जब तक केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे समाज के नेता से नहीं मिलेंगे तब तक हटेंगे नहीं। हम पिछड़े दर्द लड़ने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला, कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि 23 तारीख से लगातार उनका धरना रोड पे चल रहा है, लोग रोड पे बैठे हैं। आज भी आपने पेपर पत्रों के माध्यम से देखा है कि अनुप्रिया पटेल जी बहुत जोर शोर से लगी हूँ, कहीं ना कहीं मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए 22,000 सीट वाले जो है बिल्कुल 69,000 आरक्षण मामले वाले अभ्यर्थियों की तरह संख्या बल दिखाएँ और एकता में आएँ। आते हैं तो कहीं ना कहीं ना आपका मामला जबरदस्त बनेगा। आज SCERT पर बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक, 69,000 के विभिन्न मुद्दों पर विचार होगा, 22,000 टीम सतर्क रहे। कहीं ना कहीं देखिए तमाम जानकारी आती है, UPTET को लेकर तमाम नई जानकारी है। 26 दिसंबर को होगी UPTET परीक्षा, लखनऊ विशेष भक्त की बड़ी खबर। कहीं ना कहीं जो UPTET को लेकर जो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक महीने के अंदर हम पारदर्शी तरीके से सुचतापूर्वक 21,00,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा फिर से संपन्न करवाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी डेट भी आ गई 26 दिसंबर को। देखिए वरुण गांधी जी पोस्ट, UPTET परीक्षा लेकर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी। देखिए क्या विडंबना है, पिछड़ा वर्ग मंत्री अपने समुदाय के हर स्तर पर सरकार से मांग रखी, वहीं कोई भी नेता इन समर्थित 22,000 अभ्यर्थी जो सभी वर्ग के हितों की बात करते हुए आज 162 दिनों संघर्ष कर रहे हैं कि हक की बात नहीं करते, हमारे वर्ग के नेताओं की हकीकत है। वैसे कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, नौकरी वहाँ तप रहे चंद लोगों को नहीं मिलेगी, फिर अपने हिस्से की लड़ाई हम क्यों नहीं लड़ रहे। घरों से निकलने के लिए आवश्यकता है आप सभी की, और मजबूरी वहाँ अपने साथियों के आने की बात जो रहे सत्याग्रहियों की। दोस्तों जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का प्रमाण SCERT पर दें, अपने संघर्ष साथियों को मनोबल बढ़ाएं। देखिए कहीं ना कहीं मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि 22,000 सीटें इस समय गतिमान है, कहीं ना कहीं संख्या बल दिख जाती है तो 22,000 सीटें बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग मौका ना छोड़ें, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती आनी नहीं, आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरह शांत हो चुका है। कल जिस तरह से पेपर आउट हुआ, पेपर निरस्त किया राज्य सरकार ने, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार की सोची समझी साजिश से, अगर सरकार चाहती तो पेपर किसी भी एंगल से आउट नहीं हो सकता था, तो कहीं ना कहीं सरकार ने साजिशन जो है UPTET रद्द की है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसी तरह धांधली हुई थी, तब सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं जान लीजिए सरकार की इसमें साजिश है, और इस साजिश में फ़ायदा पाने के लिए केवल 22,000 और आरक्षण मामले वाले लोगों का हित है। वो लोग 69,000 में 90, 97 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनका 22,000 सीटों पर हक है। आरक्षण मामले में कुछ सीटें चली जाएंगी, अब बाकी लगभग जो है 21 से 22,000 फिर सीटें मिलेंगी, जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो सकेगा। आप लोग योग्य हैं, अपनी योग्यता को पहचानिए और 22,000 लीगल टीम का सहयोग करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।